नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल प्रभात सुधोना। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण का कारक, ये जो मुद्दा है, इसका अध्ययन करेंगे। कारक को मराठी में विभक्तियां कहते हैं। कारक की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। इन परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि ऐसे विभक्तियां लगती हैं, तब उनके उस रूप को कारक कहते हैं। मैं दूसरे शब्द में आपको बताना चाहूँगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो चिन्ह अथवा परसर्ग होते हैं, उसे ही कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण लिया मैंने यहाँ पर, रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। रामचंद्र जी ने यहाँ पर ने चिन्ह लगा है, समुद्र पर यहाँ पर शब्द चिन्ह लगा है, बंदरों से यहाँ से चिन्ह लगा है, परसर लगा है। इन वाक्यों में रामचंद्र जी ने समुद्र पर, बंदरों से और पुल संज्ञाओं के रूपांतर है, जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया के साथ सूचित होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, अजय ने अक्षय को बंदूक से मारा। अजय ने लगा, अक्षय को बंदूक से मारा। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे से बंधा है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है। यहाँ ने, को, से शब्दों ने वाक्य में आए अनेक शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया। यदि शब्द न हो तो शब्दों का क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध नहीं होगा। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप कारक होता है। कारक के 8 भेद हैं। मैं आपको कारक के नाम और उसका परसर्ग चिन्ह बताता हूँ। नंबर 1, कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह कोई परसर्ग कहते हैं। चिन्ह या परसर्ग क्या होता है? कर्ता कारक का ने और शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। कुछ वाक्यों में कर्ता को ने चिन्ह लगता है और कुछ वाक्यों में कर्ता कारक को ने नहीं लगता है। कर्म कारक दूसरा, कर्म कारक चिन्ह है को शून्य मतलब कुछ भी नहीं। करण कारक का चिन्ह है से के द्वारा या कुछ भी नहीं। संप्रदान कारक के लिए चिन्ह है को के लिए के हेतु। संप्रदान कारक में दूसरे को कुछ देने का भाव दिखा देता है। अपदान कारक का चिन्ह है से, यहाँ से चिन्ह है ऊपर भी करण कारक में आए हैं, लेकिन करण कारक में साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ अपदान कारक में अलग होने के भाव से इस्तेमाल किया जाता है से। हम आगे देखेंगे उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। 6 नंबर है संबंध कारक। चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नि, ने। 7 अधिकरण कारक, इनका परसर्ग चिन्ह है में पर, जहाँ कुछ चीज़ें रखने के लिए आधार की जरूरत होती है, उसे कहते हैं अधिकरण कारक। अंतिम 8 संबोधन कारक, इसे चिन्ह नहीं होते, कुछ पुकारने जैसे शब्द होते हैं, जैसे हे, अरे, अजी आदि। विभक्तियाँ, परिभाषा विभक्ति, सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगा जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियाँ अथवा परसर्ग कहते हैं। जैसे ने, से, को, के लिए, के द्वारा, रा, ना, अरे आदि। अब मैं आपको विस्तार से एक एक कारक के बारे में जानकारी दूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या बताया मैंने आपको? ने और शून्य। शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। कर्ता कारक पहचानने के लिए क्रिया के साथ किसने और कौन, ये प्रश्न पूछने पर उत्तर जो आता है वो होता है कर्ता कारक। परिभाषा कर्ता कारक की, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं और उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण, मोहन खाता है,
इस वाक्य में खाने का काम मोहन करता है, खाने का काम कार्य मोहन करा, इसलिए अतः कर्ता कौन है? मोहन, मोहन ही करता है। दूसरा उदाहरण, मनोज ने पत्र लिखा। इस वाक्य में क्रिया का करने वाला मनोज करता है। विशेष बात ध्यान रहे, कभी कभी कर्ता कारक में ने चिन्ह नहीं भी लगता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है, कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। यह घोड़ा इस कर्ता को दौड़ने का काम घोड़ा करता है, इस घोड़ा कर्ता को ने चिन्ह नहीं लगा है। नंबर दो, कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह परसर्ग है को और शून्य, मतलब कुछ भी नहीं। कर्ता कारक पहचानने के लिए क्रिया के साथ पूछा जाने वाला प्रश्न होता है किसे, क्या। परिभाषा, जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ऐसे हम दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं, जैसे माँ बच्चे को सुला रही है। माँ का सुलाने का काम चल रहा है लेकिन उसके सुलाने का प्रभाव बच्चे पर हो रहा है, इसलिए बच्चे को ये शब्द क्या है? कर्ता कर्म कारक है। इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है इसलिए बच्चे को यह कर्म कारक है। चिंटू ने पवन को मारा, चिंटू ने मारने का काम किया लेकिन उसका परिणाम किस पर हुआ है? पवन पर, इसलिए पवन को यह क्या है? कर्म है। विशेष, कभी कभी को चिन्ह का प्रयोग कर्म कारक में नहीं होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन के पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर पड़ता है लेकिन यह मोहन को जो चिन्ह चाहिए वो चिन्ह नहीं लगा है, कौन सा? ने। अभी तीसरा, करण कारक। चिन्ह है से के द्वारा और शून्य। परिभाषा, जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। साधन, हथियार जो होता है कार्य करने का, उसे कहते हैं करण कारक। जैसे हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? आंखों का। आंखों की सहायता से हम देख पाए हैं इसलिए आंखों की सहायता ली गई, ये आंख की, ये शब्द क्या हुआ? आंख से, ये शब्द क्या हुआ? करण कारक। उसी तरह से उसके द्वारा यह कथा सुनी थी, के द्वारा ये क्या है? हथियार के रूप में सुना है इसलिए वो करण कारक है। तीर से बाघ मार दिया गया, हथियार कैसे बना? तीर। वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वृक्ष काटने के लिए हथियार कुल्हाड़ी उसकी इस्तेमाल की है, ये सभी करण कारक है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक में देने का भाव दिखा देता है, इसका चिन्ह होता है को के लिए के हेतु। परिभाषा, जिसके लिए कोई क्रिया या कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे दूसरे शब्द में हम ऐसा भी कह सकते हैं, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप में रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए है। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गुरु के लिए देने का भाव है। गरीब को धन दीजिए, देने का भाव है। वो अरुण के लिए मिठाई लाया, देने का भाव है। इन वाक्य में लाने का काम अरुण के लिए हुआ है इसलिए अरुण के लिए संप्रदान कारक है। एक कर्म कारक जो है उसका भी चिन्ह के लिए है को, और संप्रदान का भी विभक्ति प्रत्यय को है, पर दोनों के अर्थ में अंतर है। संप्रदान कारक में को के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म कारक में को के लिए अर्थ से कोई संबंध नहीं है। नीचे कुछ मैंने उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों को जरा ध्यान से देखिए। कर्म कारक को प्रत्यय दोनों जगहों पर है लेकिन फर्क, भेद क्या है दोनों? कर्म कारक में हरि मोहन को मारता है, हरि मारने का काम करता है, उसका प्रभाव मोहन पर पड़ता है, तो यहाँ जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है? कर्म कारक होता है। यह को, ये उपसर्ग आया है लेकिन कर्म कारक के रूप में आया है। दूसरा उदाहरण सामने, वही संप्रदान कारक में
हरि मोहन को रुपए देता है, मोहन को, यह भी मोहन को आया, लेकिन यह इस वाक्य में देने का भाव दिखाई देता है, इसलिए मोहन को इस वाक्य में क्या है, को शब्द संप्रदान कारक की भक्ति है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण कर्म कारक का, उसने लड़के को बुलाया, लेकिन उसके बुलाने का प्रभाव लड़कों पर हुआ है, इसलिए लड़के को ये क्या है, कर्म कारक है। उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, यह देने का भाव, इसलिए लड़के को ये संप्रदान कारक में ये वाक्य देने का भाव बताता है, इसलिए वो संप्रदान कारक है। और एक उदाहरण देखिए, माँ ने बच्चे को खेलते देखा, इस वाक्य में बच्चे को खेलते देखा ये कर्म कारक के रूप में है, और संप्रदान कारक में माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, यहाँ देने का भाव है। साधारणतः कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ कोई काम किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। और उदाहरण देखते हैं, भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल, यह देने का भाव है। गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, यह देने का भाव है, इसलिए भूखों को, प्यासों को, शिष्यों को ये क्या है, संप्रदान कारक है। के हित, के वास्ते आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय होते हैं। राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, यहाँ के हित ये शब्द है, उनके लिए काम किया, राम के लिए क्या है, किसी के लिए काम किया जाता है तो वो क्या होता है, संप्रदान कारक। तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, के वास्ते ये शब्द भी क्या है, संप्रदान कारक। अब अपदान कारक नंबर 5, अपदान कारक। अपदान कारक में चिन्ह है से, लेकिन यहाँ करण कारक में भी से है, यहाँ भी से है, दोनों का इस्तेमाल अलग अलग होता है, उपयोग प्रयोग अलग अलग होता है। अपदान कारक में से का प्रयोग होता है वो अलग होने के भाव से होता है। ये कारक पहचानने के लिए क्रिया के साथ पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, कहाँ से अगर प्रश्न पूछा, जो उत्तर आएगा वो उत्तर होगा अपदान कारक। परिभाषा, जिससे किसी वस्तु के अलग हो जाने का पता चलता है उसे अपदान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँगा, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से। जैसे दूल्हा घोड़े से गिर पड़ा, इस वाक्य में गिरने की क्रिया घोड़े से हुई, अथवा गिरकर दूल्हा घोड़े से अलग हो गया, इसलिए घोड़े से अपादान कारक है। उसी तरह से और उदाहरण देखते, हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब हिमालय पर से जो गंगा निकली, बारिश पानी निकला है वो निकल गया, उसका संबंध हिमालय से अलग हो गया। मोहन ने घड़े से पानी डाला, घड़े में जो पानी था वो डाल दिया, तब क्या है, घड़े का और पानी का संबंध अलग हो गया। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली ने कूद या छलांग लगा दी और छत का उसका संबंध नष्ट हो गया। चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल का और चूहे का संबंध नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, अलग हो गया। ये हो गए अपादान कारक के उदाहरण। करण कारक और अपादान कारक के से प्रत्यय का अंतर, अर्थ में अंतर क्या है। परसर्ग से करण कारक और अपादान कारक दोनों व्यक्ति का चिन्ह है, किंतु साधन का प्रयोग होने पर करण कारक माना जाएगा, जबकि अलगाव होने का प्रत्यय होने पर अपादान कारक। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कुल्हाड़ी ये साधन के रूप में है। मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, अपनी कमाई ये क्या है, साधन है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, संगति क्या है, बुद्धि सुधारने का साधन है। ये तीनों वाक्य करण कारक के उदाहरण है। और पेड़ से फल अलग हो गया, अलग होने का भाव अगर रहा तो अपादान कारक होता है। घर से लौटा हुआ लड़का, घर से वो अलग हो गया। छत से उतरी हुई लता, मतलब वेल, मराठी में से वेल कहते हैं, ये तीनों अपादान कारक है। नंबर 6 कारक संबंध कारक, इसके चिन्ह है का, की, के, रा, रि, रे, ला, ना, नी, ने। कारक पहचानने के लिए क्रिया के साथ पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, किसका, किसकी, किसके। ये प्रश्न पूछने पर उत्तर जो आता है वो होता है संबंध कारक। श
शब्द के जिस रूप से संज्ञा सर्वनाम के संबंध का ज्ञान होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में आपको बताना चाहूंगा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या अलगाव प्रतीत होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे गीता का भाई आया है, इस वाक्य में गीता तथा भाई दोनों शब्द संज्ञा है। भाई से गीता का, भाई इस शब्द से गीता का संबंध दिखाया गया है। वो किसका भाई है? गीता का। इसलिए गीता का संबंध, गीता का यह शब्द क्या है? संबंध कारक है। उसी तरह से जैसे रहीम का मकान छोटा है, का रहीम की कोठरी, रहीम के बेटे, का की के। सर्वनाम के संबंध में प्रत्यय का रूप संबंध सर्वनाम, जैसे मैं, मेरा नाम मैंने लिया नहीं, मैं ये मेरे लिए सर्वनाम इस्तेमाल किया है। उसी तरह से मेरा, तेरा, ये भी सर्वनाम है। सर्वनाम के संबंध में प्रत्यय का रूप रारी रे नानी ने ये होते हैं, जैसे मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे लड़के, अपना लड़का, यहाँ मेरा, मेरी, मेरे, रारी रे। उसी तरह से अपना लड़का, अपनी लड़की, अपने लड़के। दृष्टव्य बहुधा संबंध कारक की विभक्तियों के स्थान में वाला प्रत्यय भी लगता है। जैसे राम वाली किताब, हम कहते हैं अरे बेटा वो जरा किताब ला कौन सी, उस पर अगर राम की तस्वीरें फोटो हैं तब वो राम वाली, क्या उसके ऊपर राम का फोटो है, वो राम वाली किताब ला। उसी तरह से यहाँ पर श्याम वाला घर, प्रेमचंद वाले उपन्यास, चांदी वाली थाली आदि। अगला कारक सातवां, अधिकरण कारक, चिन्ह है मैं पर। कारक पहचानने के लिए, अधिकरण कारक पहचानने के लिए क्रिया के साथ अगर हम प्रश्न पूछते हैं किस में, किस पर, तो जो उत्तर आएगा वो होगा अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में बताना चाहूंगा आपको, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर ये होती है। जैसे मोहन घर में खेल रहा है, खेलने के लिए उसे आधार किसका मिला है? घर का। इसलिए घर में, ये क्या है? अधिकरण कारक। इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है? घर में। इसलिए घर में अधिकरण कारक है। मनमोहन छत पर खेल रहा है, इस वाक्य में खेलने के लिए क्रिया किस स्थान पर हो रही है? छत पर। इसलिए छत पर अधिकरण कारक है। अंतिम कारक का भेद संबोधन कारक, आठवां भेद संबोधन कारक, चिन्ह है, इसे चिन्ह नहीं होते लेकिन एक उदाहरण के तौर पर हमने कुछ शब्द लिए हैं, है, अरे, अजी आदि ऐसे कुछ। परिभाषा, जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति अरे, हे आदि पुकारने का भाव होता है। जैसे हे भगवान से पुकारने का बोध होता है, भगवान को पुकारने के लिए हे भगवान ऐसा कहा गया है। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती, ये ध्यान रहे। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे हे श्याम घर आओ, हे श्याम शब्द है, उसके सामने उद्गार चिन्ह है। अरे तुम क्या कर रहे हो वहां राजेश, अरे राजेश को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया हुआ, संबोधन करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ शब्द है और वो शब्द संबोधन कारक है। विशेष सूचना, परसर्ग के स्थान पर इसमें संबोधित संज्ञा सर्वनाम के पश्चात विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब छात्रों, कम समय में आपको कारक की पहचान होने के लिए मैंने एक चिन्ह लक्षण ट्रिक्स तालिका बनाई है, उसे आप ध्यान से देखिएगा। अनुक्रमांक है, कारक का नाम है, कारक या परिसर के चिन्ह दिए हैं, लक्षण यानी कि परिभाषा कम शब्दों में बताने का प्रयास किया है, कारक पहचानने के लिए कौन से प्रश्न पूछने, ओ और एक उदाहरण दिया। जैसे पहला कारक है कौन सा? कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या है? ने और शून्य। लक्षण क्या है, मतलब परिभाषा शॉर्टकट में उसका लक्षण है जो काम करता है वो, जो काम करता है वो कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक में जो क्रिया है उस क्रिया के साथ अगर हम प्रश्न पूछे किसने, कौन, जो उत्तर आएगा वो होगा
करता था। जैसे उदाहरण दिया मैंने यहाँ पर, मंगल ने कहानी लिखी, यहाँ मंगल कहानी लिखने वाली है, करता है, इसलिए उसे ने प्रत्यय लगा है, तो ने क्या हो गया, कर्ता कारक। कभी कभी प्रत्यय नहीं लगता है, चिन्ह प्रत्यय वो तो चिन्ह नहीं लगता है, कारक चिन्ह विभक्ति नहीं लगती है, तो उदाहरण है मंगल कहानी लिखती है, यहाँ कहानी लिखने वाली मंगल ही है, लेकिन उसे ने ये विभक्ति चिन्ह या परसर चिन्ह नहीं लगा है। दूसरा कारक है कर्म कारक, इसका चिन्ह है को और शून्य, मतलब कुछ भी नहीं। इसका लक्षण क्या है, जिस पर क्रिया का कार्य का परिणाम होता है। अगर क्रिया से प्रश्न पूछा जाए किसे क्या, उत्तर आएगा तो क्या होगा, कर्म कारक। दिनेश निकिता को डांटता है, दिनेश के डांटने का प्रभाव निकिता पर पड़ा है, जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म कारक होता है। यहाँ निकिता को शब्द क्या है, कर्म कारक है। यहाँ को चिन्ह आया है और कभी कभी नहीं आता है, दिनेश पत्थर तोड़ता है, दिनेश के तोड़ने का प्रभाव पत्थर पर होता है, लेकिन यहाँ पत्थर को शब्द नहीं आया है, इसलिए पत्थर ये शब्द क्या है, कर्म कारक है। तीसरा भेद करण कारक, करण कारक के चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ, शून्य। और इसका जो लक्षण है वो कार्य क्रिया करने का जो साधन है, वो कर्ता जो काम करता है, वो काम करने के लिए जिस साधन का इस्तेमाल किया गया उस साधन को करण कारक कहते हैं। इस वाक्य को, इस कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किससे, किसके द्वारा, किसके साथ ये प्रश्न पूछे, उत्तर अगर आए तो वो होता है करण कारक। जैसे मैंने उदाहरण लिया है, राधा ब्रश से चित्र बनाती है, किससे बनाती है, ब्रश से, साधन के रूप में ब्रश आया। राधा रंगों द्वारा चित्र बनाती है, साधन कौन सा है, रंगों का, चित्र बनाने के लिए। राधा चित्र का आंखों देखा हाल सुनती है, देखने के लिए इस्तेमाल किया है आंखों का, लेकिन वहां आंखों से शब्द नहीं, मतलब चिन्ह लगा नहीं है, इसलिए शून्य, कुछ भी नहीं लगा तो भी, लेकिन साधन का इस्तेमाल तो आंखों का हुआ है, इसलिए वो क्या है, करण कारक। चौथा कारक है संप्रदान कारक, देने का भाव जिसमें प्रभावित होता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। तो इसके चिन्ह को के लिए और लक्षण है जिसके लिए कार्य किया जाता है, कर्ता जो काम करता है वो दूसरे किसी के लिए किया जाता है, जिसके लिए काम किया जाता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। किसे, किसके लिए, ये प्रश्न अगर वाक्य में क्रिया से पूछे तो उत्तर अगर आया तो होगा संप्रदान कारक। सचिन को पुस्तकें लानी है, पुस्तकें लानी है, लेकिन सचिन को लानी है, देने का भाव है। सचिन के लिए पुस्तकें लानी है, यह भी देने का भाव। पांचवा अपादान कारक, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है परसर्ग से, लेकिन इस से अलग होने का भाव उपस्थित होता है। और लक्षण है जिससे कोई वस्तु अलग होती है। यहां पर वाक्य की क्रिया से अगर आप प्रश्न पूछेंगे कहां से, उत्तर अगर आया तो होगा अपादान कारक का, वो पेड़ की डाल से गिर पड़ा, वो पेड़ की डाल से गिर पड़ा, डाल से पेड़ का और उसका संबंध समाप्त हो गया, एक दूसरे से अलग हो गए, अलग होने का भाव अगर रहा तो क्या होता है, अपादान कारक। धनुष से बाण निकल रहे हैं, धनुष से क्या है, साधन है। सातवा छठा नंबर संबंध कारक, संबंध कारक के उदाहरण है सर चिन्ह परसर का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, जो शब्द, लक्षण जो शब्द एक दूसरे संबंध जोड़ता है उसे कहते हैं संबंध कारक। क्रिया के साथ प्रश्न पूछने, कौन से, किसका, किसकी, किसके, तो आपको जो अगर उत्तर मिलता है तो वह संबंध कारक। सुनील की बहन प्रथम आई, किसकी बहन, सुनील की बहन, और सुनील ये दोनों का संबंध बताया है इस शब्द ने, कि इस शब्द ने। मेरा भाई छोटा है, मैं ये सर्वनाम है और मैं इस सर्वनाम को रा प्रत्यय लगा है या रा उपसर्ग लगा है। भाई और मैं दोनों का संबंध जो है वो रा शब्द से दिखाई देता है, इसलिए रा ये क्या है, संबंध कारक। सुनील अपने मित्रों के साथ खेलता है, अपने अपने यहाँ पर ने परसर लगा है। सातवा अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में चिन्ह होते मैं पर,
वो आधार के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। लक्षण है जो क्रिया कार्य आधार होता है। प्रश्न पूछने पड़ते क्रिया के साथ किसमें, किस पर, कहाँ पर, ऐसे, तो उत्तर अगर आता है तो क्या होते हैं अधिकरण कारक। जैसे गिलास में पानी भरा हुआ है, गिलास में पानी भरा हुआ है, शुभ, यह गिलास में पानी रखने के लिए आधार हुआ है, किसका हुआ है, गिलास का, इसलिए गिलास में ये शब्द क्या है अधिकरण कारक है। शुभम ने मेज पर किताब रखी है, किताब रखने के लिए आधार किसका मिला है, मेज, मेज मुझे टेबल, मेज का मतलब क्या होता है टेबल, इसलिए ये गिलास में मेज पर, ये गिलास और मेज ये क्या काम कर रहे हैं, पानी को आधार दे रहा है गिलास, किताब रखने के लिए आधार दे रहा है मेज, इसलिए दोनों क्या है अधिकरण कारक। अंतिम भेद संबोधन कारक, इसके चिन्ह के तौर पर कुछ शब्द आते हैं, संबोधन कारक शब्द होते हैं, इनका चिन्ह नहीं होता है, हे, अरे, जी, हे राम आदि। इसका लक्षण जो होता है, मतलब कम शब्दों में परिभाषा के रूप में, तो जिस शब्द से किसी को पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। यहाँ क्रिया के साथ पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं होते, बस पुकारा जाता है ऐसा महसूस होता है तो संबोधन कारक होते। जैसे हे ईश्वर, निखिल को अच्छी बुद्धि दे, ईश्वर को पुकारा है। अरे बच्चे वहां धूप में ना खेलो, अरे बच्चों, ये बच्चों को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया गया है। देखिए छात्रों, यहाँ पर हमने कारक देखा है, आप इस कारक के, इस तालिका टेबल को, इस तालिका को और ऊपर विस्तार से दी हुई जानकारी को ध्यान से पढ़ो, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आया है, तो अवश्य लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।